दोस्तों, वेलकम टू शियान कुकिंग फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम चिकन कलेजी बनाने जा रहे हैं, वो भी तवे के ऊपर। तो वैसे तो मैं तवे के ऊपर बीफ कलेजी डाल चुका हूँ, वो रेसिपी मैंने पहले डाली हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन वो एक अलग रेसिपी थी और ये थोड़ी अलग डिफरेंट रेसिपी है। वो बीफ की थी, ये चिकन की है। तो कलेजी हमने धो के अच्छी तरीके से रख लिए, साफ़ कर लिए। आपने कलेजी अच्छी तरीके से धो लेनी है और उसमें से पानी निकाल देना है। तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट कलेजी में ऐड करेंगे और ये ज़ीरा भी ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा ये आपने कलेजी में लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इससे कलेजी की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कलेजी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है जब भी आप कलेजी बनाएं। तो ये हम ऐड कर देंगे और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना इसमें। इसको 5 से 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं इसमें, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो इसमें ख़त्म हो जाए जी। तो एक चम्मच जो है ये हरी मिर्च है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च लिए मैंने, उसको मैंने कूट लिया है। आप डाल देना, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ले लेना। मैंने 2 हरी मिर्च लिए बड़ी। तो ये नमक है, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच ये ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये धनिया पाउडर है, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, तो चलिए चलते हैं और तवे के ऊपर इसको फ्राई करते हैं। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे कलेजी। चूल्हा हमने बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ है, इसको हम फ्राई करेंगे। आपको ये ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, तो खुश्क हो जाएगा अभी 2 मिनट में। ठीक है, कलेजी होती है ये अपना भी पानी छोड़ती है।
दो मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। दो मिनट पूरे हो गए और ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। कलेजी थोड़ी ज़्यादा थी, तवे पे हमारी एडजस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने एडजस्ट कर दी इसको। तवा थोड़ा हमारा छोटा है तो कलेजी हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो भाई तवे के कलेजी के लिए थोड़ा सा बड़ा तवा होना चाहिए। कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है और ये रेडी है खाने के लिए। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।